विपक्ष के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशुभ बताया है। वहीं विपक्षी नेताओं के इस आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफलता और असफलता को नहीं देखते, वो तो हारे हुए लोगों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री सभी को जीत के लिए प्रेरित करते हैं। चौधरी ने कहा कि चाहे वैज्ञानिक हों या खिलाड़ी, सभी को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है। चौधरी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन के लिए पूर्ण रूप से अशुभ हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को यह समझना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे कार्य हो, खराब कार्य हो, असफल कार्य हो, सब में जाते हैं। यही तो उनकी खूबी है, सीने से लगाते हैं। हमारे लोग यदि कहीं हार जाते हैं, सीने से लगाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्नेह प्यार देते हैं, हमारे लोग लड़े, आगे के दिनों में जीते, असफल प्रयास को सफल प्रयास बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कराने का काम करते हैं। चाहे वो साइंटिस्टों का मामला हो, जब सैटेलाइट का इश्यूज आया उसमें भी बढ़ चढ़ कर उन्होंने समर्थन देने का काम किया, और क्रिकेट के भी मामले में अशुभ तो स्वाभाविक है। हमने कहा है कि इंडी गठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से अशुभ। वहीं उत्तराखंड के टनल में फंसे मजदूर के निकलने पर बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देने पर सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूरों के लिए नीतीश सरकार को कोई चिंता नहीं थी। बिहार में कोई सरकार चल रही है मेरे को नहीं पता है। मैं विरोधी दल में हूं और मैं लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं। लालू जी के भी राज को देखा, नीतीश जी के भी राज को देख रहा हूं। कोई सरकार चल रही है क्या? 17 दिन तक 5 मजदूर बिहार के, पूरा देश चिंतित था। प्रधानमंत्री रोज मॉनिटरिंग कर रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी रोज वहां जाते थे, और यहां कोई चिंता भी जारी नहीं कर रहा था। बिहारी होना हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, त्यों-त्यों सत्ता और विपक्षी नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। पीएम को पनौती कहना कहीं से भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।